सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। उन लोगों की लड़ाई है मलाई खाने की, कमीशन की, उन लोगों को विकास से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई है आप लोगों के मान सम्मान की, आपके क्षेत्र के विकास की। हम यहाँ पंचायत में नुआए जी, मधु गुज्जर तो जिता ही इन्होंने अपनी सीट छोड़ रखा है, ठीक जी, आज उन्होंने 200 रन ले लिया अपने पाले में जी। हमारे यहाँ दिखावा है कि हमारा समाज कितना एकजुट होकर इस सरकार को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है, कि जब हमारा गुर्जर समाज एकजुट हो जाएगा तो हम तुम्हारे राजनीति के पंख उखाड़ देंगे। गुर्जरों का तो पहले तो हो रहा स्वाभिमान, क्योंकि एक जहाँ टिकते नहीं है, ये बीजेपी कर रहे थे पहले, तो बीजेपी कर रहे थे, बीजेपी ने सब कुछ खत्म कर दिया इनका काम, तो प्रदीप ने कुछ नहीं करवाया, इधर आप देख लोगे किधर का क्या काम करवा रखा, काम तो कुछ हुआ ही नहीं जी बिहार प्रदीप, सबसे बड़ी बात यही है। मैं समझता हूँ यदि इस तरह के समर्थक और इस तरह के लोग साथ होते हैं तो कोई चिंता लड़ाई की नहीं रह जाती मजबूती। हमें भी दुख इस बात का नहीं है, चेयरमैन ही कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कल कौन विश्वास करेगा किसी का। तो मैं दिल से आभारी हूं इन लोगों का, इन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मधु को जिला पंचायत भवन में भेजने का काम किया। आज मैं शर्मिंदा हूं, आज मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूं अपने जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यों से, जिन्होंने भरोसा किया था आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी पे, मनीष चौहान पे, आपकी 12 पे, आपकी 84 पे। आज मैं उनको क्या जवाब दूं, इसी उपलक्ष में ये पंचायत बुलाई गई है, निर्णय आपको लेना है। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरा तरीका गलत है, तो मुझे आप इस पंचायत में सीधा सीधा बता दें, और अगर मेरा रास्ता सही है, मैं इस भरे मंच से आप लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूं। उन लोगों की लड़ाई है मलाई खाने की, कमीशन की, उन लोगों को विकास से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई है आप लोगों के मान सम्मान की, आपके क्षेत्र के विकास की। हम यहाँ वहाँ पंचायत में नुआए जी, मधु गुज्जर तो जिता ही इन्होंने अपनी सीट छोड़ रखा है, ठीक जी, आज उन्होंने 200 रन ले लिया अपने पाले में जी, इस वजह स्वाभिमान के लिए मतलब पंचायत है जी यहाँ पे। कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं? यहाँ पे सब आ रहे, सब इलाके का लोग आ रहे जी, हाँ जी, 36 बिरादरी आ रही जी यहाँ से, ऐसा भी नहीं है कि गुज्जर आ रहे, 36 बिरादरी आई हुई है यहाँ पे। अच्छा, इस पंचायत का नाम दिया गया 84 के सम्मान में, सर्व समाज मैदान में, ऐसा क्यों नाम दिया? 84 गांव जो है यहाँ गुजरों के हैं जी। अच्छा, ठीक जी, पंचायत है 36 बिरादरी की जी। Yeah.
जा रहा है, पंचायत हो रही है, स्वाभिमान रैली है, हमारा गुर्जर समाज है वो सबसे पीछे है, न कोई मुख्यमंत्री है, न कोई मंत्री है और न कोई हमें पद है, न पावर है, न प्रतिष्ठा है, और हम अपनी कौम के अपने समाज के लिए हम ये दिखावा कर रहे हैं, ओनली फॉर शो, हमारे ये दिखावा है कि हमारा समाज कितना एकजुट होकर इस सरकार को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। पद हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज तक हम 75 साल में हमारी कौम का, हमारे वर्ग का, हमारी जाति का कोई भी गुर्जर मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जब हिंदू और मुस्लिम गुर्जर एकजुट हुए तो हमने योगी को ये दिखाया, मोदी को ये दिखाया कि जब हमारा गुर्जर समाज एकजुट हो जाएगा तो हम तुम्हारे राजनीति के पंख उखाड़ देंगे। गुर्जरों का तो पहले तो हो रहा स्वाभिमान, क्योंकि एक जहाँ टिकते नहीं है, ये बीजेपी कर रहे थे पहले, तो बीजेपी कर रहे थे, बीजेपी ने सब कुछ खत्म कर दिया इनका, सब कहीं पूरे देश का ही कर दिया। अब तो अग्निवीर भर्ती ला दी, इसमें आर्मी की थी पहले, 15 साल की नौकरी थी, सबका सम्मान था, बढ़िया था, सब जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे, शरीर बढ़िया रहा था, फिट रहा था बच्चों का, अब बच्चों का पेट भी इतना इतना फूलना मिला। तो आपको लग रहा है कि जो पहले काम नहीं हो पाए, क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या नहीं हो पाया था? काम तो प्रदीप ने कुछ नहीं करवाया, इधर आप देख लोगे किधर का क्या काम करवा रखा, काम तो कुछ हुआ ही नहीं जी बिहार प्रदीप, सबसे बड़ी बात यही है। कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय बहुत हो गया, गर्मी में आप लोग जितनी बड़ी संख्या में आए और जिस तरह आप समय दे रहे हैं, मैं समझता हूँ यदि इस तरह के समर्थक और इस तरह के लोग साथ होते हैं तो कोई चिंता लड़ाई की नहीं रह जाती मजबूती। आज ही मैसेज चला जाएगा, आज हम देख रहे थे कैराने से चलने के बाद जिस तरह की रैली और जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का जोश आप लोगों में है, मैं समझता हूँ कोई समस्या लोकतंत्र में नहीं रहती उसके बाद किसी प्रत्याशी। मेंबर और चेयरमैन ऐसे नहीं बनता, पता है सब लोगों की क्या स्थिति है, और उसके बाद जिस तरह वो गुमराह हुई है, मैं समझता हूँ हमें भी दुख इस बात का नहीं है, चेयरमैन ही कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कल कौन विश्वास करेगा किसी का, देख के हम लोगों को भी होता है। तो ज़्यादा ना कहते हुए, जरूरत पड़ेगी फिर साथ होंगे, और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और बहुत बहुत